देवास शहर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर नगर निगम देवास भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार ज्ञापन देने पहुंची, जहां पर महापौर सुभाष शर्मा, सभापति अंसार अहमद और भाजपा पार्षद भी मौजूद रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, नगर निगम प्रशासन और प्रदेश के कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, नगर निगम आयुक्त पर लगाया भाजपा पार्षदों के वार्डों में भेदभाव करने का आरोप और आगे भी आंदोलन करने की दी चेतावनी। दरअसल विगत कई दिनों से शहर में विकास कार्यों को लेकर लोगों में रोष है। बीजेपी की नगर निगम में परिषद है, महापौर है, विधायक भी बीजेपी से ही है। बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार को कार्यकर्ताओं ने निगम आयुक्त की शिकायत की व कहा कि सिर्फ कांग्रेस के वार्डों में ही काम हो रहा है। निगमायुक्त संजनाम जैन भेदभाव कर राजनीति से प्रेरित होकर कार्य कर रही है। इसी बात को लेकर विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने नगर निगम पहुंची देवास भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार, साथ में महापौर सुभाष शर्मा, सभापति अंसार अहमद और भाजपा पार्षद भी रहे मौजूद। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की, नगर निगम प्रशासन और प्रदेश के कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी की नारेबाजी, नगर निगम आयुक्त पर लगाया भाजपा पार्षदों के वार्डों में भेदभाव करने का आरोप और इसके साथ साथ आगे के आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। निगमायुक्त संजनाम जैन को ज्ञापन भी सौंपा गया। संजना जैन ने विधायक गायत्री राजे पवार के आरोपों को निराधार बताया, कहा कि सभी वार्डों में हो रहे हैं एक समान काम और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिविल लाइन रोड में हुई है भारी अनियमितता, इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के सीसी रोड पर भी किया गया डामरीकरण, दोषियों के खिलाफ राज्य शासन को भेज रहे हैं आरोप पत्र। पड़ा नगर निगम में और नारेबाजी भी की बीजेपी के जितने पार्षद है कार्यकर्ता है, और क्या कुछ मामला पूरा आपसे जानना चाहिए। भाजपा का हर एक पार्षद यहाँ मौजूद है, हमारे भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। कमिश्नर मैडम पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट का मतलब समझते हैं ना, पब्लिक के लिए उनकी जवाबदेही है। उन्हें कांग्रेसीकरण या भाजपा के पार्षदों को देखकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। पिछले महीने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सभी पार्षद एकत्रित होकर उनको मिलने गए थे, उनके साथ बैठकर उनको ज्ञापन में लिस्ट दी थी हर पार्षद ने कि क्या काम बचे हैं, क्या काम उनके रुके हैं, क्या काम होने हैं, और उनसे उन्होंने बोला था 8 से 10 दिन में वो जवाब देंगी, जो काम शुरू हो सकते हैं वो करेंगी, जो नहीं हो सकते उनका कारण बताएंगे। आज एक महीना हो गया है, उसका कोई जवाब नहीं है, ना तो काम हुए हैं। आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्षदों के यहाँ काम चालू है, कुछ तो बिना टेंडर करे काम चालू है, और ठेकेदारों के नाम बता सकती हूँ मैं, रास्ते बता सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि ये मैडम खुद समझें कि इस तरह का भेदभाव करना गलत है। कौन है जिम्मेदार पूरी तरह से इसके? पूरी तरह से यहाँ के जो अभी शासन प्रशासन जो बैठा हुआ है यहाँ पे, वही जिम्मेदार है। अब आज दूसरी बार ज्ञापन दिया है और आपने अभी उनसे बात भी की कि विकास काम शुरू किए, फिर भी नहीं करते हैं तो क्या स्टेप लिया जाए? मैंने उनसे अभी बात की तो वो बोली कि ये सब मैं पढ़ूंगी, देखूंगी, फिर देखती हूँ। पर यही काम हम उनको पिछले महीने, एक महीने पहले दे चुके हैं, यही ज्ञापन, सेम ज्ञापन है, हमने ज्ञापन भी नहीं बदले क्योंकि काम तो वही है। सेम ज्ञापन हम एक महीना पहले सब पार्षद दे चुके हैं और उनका कुछ काम नहीं हुआ, कोई निराकरण नहीं हुआ है, इसीलिए वापस से उनको दिया है। पर वो अभी और बोल रही, पढ़ेंगी, देखेंगी क्या करेंगे। नहीं, फिर अब अगला स्टेप क्या होगा? अब तो आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, ये जो कर रहे हैं और तेजी उसमें गति लाएंगे। विपक्ष में बैठे हुए हैं, आवाज उठाना हमारा धर्म है, हम करेंगे, जनता के लिए आवाज उठाएंगे। एक महीने बाद हमको दूसरी बार ज्ञापन देना पड़ा और जो विकास काम है पूरी तरह अवरुद्ध हो गए देवास। ये बिल्कुल गलत है और इसका सबसे ज्यादा प्रमाण ये विभिन्न वार्डों में जो काम हो रहे हैं वो जनता स्वयं देखती है, नंबर वन चीज। लेकिन ऐसा कोई भी सीसी रोड का काम कराने से पहले ये देखना जरूरी है कि वहाँ पर क्या हम अगले कुछ दिनों में अमृत पेयजल पाइपलाइन डालने वाले हैं या सीवरेज की पाइपलाइन डाली जाने वाली है, क्योंकि ऐसा करने पर सीसी रोड फिर से खुद जाएगी और जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी, पैसा भी वेस्ट होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, पिछले एक साल पहले अमृत पेयजल पाइपलाइन का वर्क ऑर्डर निकला था, उसमें आज तक बेसलाइन सर्वे, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात थी कि मशीन लगा लगाकर सड़क पे जगह जगह ये देखेंगे कि पेयजल की पाइपलाइन पहले से तो कहीं नहीं डली हुई, 325 किलोमीटर की पाइपलाइन पहले से डली हुई है देवास में अलग अलग योजनाओं के तहत, लेकिन
उसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। 11 किलोमीटर तक जैसे ही ठेकेदार ने पाइपलाइन बिछाई, उनको जगह जगह पहले से डली हुई पाइपलाइन मिली, इसलिए मैंने उनके लिए अनिवार्य किया कि वो जो है ये पहले पता करें कि सत्यापन करें अपनी पाइपलाइन का कि कहां कहां पाइपलाइन डाली जाना है। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी है कि जो अमृत का तय शेड्यूल उसी के अंदर जो 150 किलोमीटर डली है उसी में पूरे देवास में पाइपलाइन डाली जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा निधि पे कोई भार है तो मुझे लगता है मैक्सिमम 10 लाख तक में ये काम हो जाएगा। पूरे देवास की जनता को पेयजल पाइपलाइन बेहतरीन क्वालिटी की मिल सकती है। 91 किलोमीटर का मैंने वेरिफिकेशन पिछले एक महीने में कई सारे नोटिस देकर ठेकेदार को बुलाकर काफी मेहनत करके मैंने करवा लिया है। कुल 150 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली जाएंगी और इसके तहत मैं चाहती हूँ जो पुरानी 55 मीटर की जो पाइपलाइन जिसमें फोर्स से पानी नहीं आता उसकी जगह भी हम डाल सकते हैं। इतनी पाइपलाइन हमारे पास अवेलेबल है। पूरे देवास की जनता को एक जैसा प्रेशर के साथ पाइपलाइन से पानी मिले और इसीलिए इतनी मेहनत की है। जहां जहां अमृत पेयजल की पाइपलाइन डाली जानी है हम पहले कॉलोनियों में वहां पर पाइपलाइन डलवाकर उसके बाद वहां पर सीसी बनाएंगे ताकि फिर अब उससे कोई छेड़छाड़ न हो। मैडम, शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट में आता है सीवरेज लाइन जी, और शहर में जो सीवरेज का जो काम बारिश के दौरान JBD बैंक्वेट्स लाए हैं, इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।